गुलाम मुस्तफ़ा साहब, इनका सवाल ये है कि कुफ्रिया इबारत कहीं लिखी हो तो उसको देखने से, नज़र डालने से वो पढ़ने में भी आ जाती है, या कुफ्रिया इबारत लिखी हुई होती है कहीं, शिरकिया इबारत भी लिखी हुई होती है तो कहीं उसको पढ़ने से भी क्या कुफ्र और शिर्क का हुक्म होता है। तो अगर किसी इबारत को बंदा सिर्फ आँखों से पढ़ ले और उसके दिल में वो कोई इरादा नहीं है, और ऐसे बहुत सारे जुमले होते हैं कि जिनको पढ़ा जाता है, कुफ्रिया भी हो सकते हैं शिरकिया भी हो सकते हैं, और ऐसी इबारत या ऐसा कोई बोर्ड वगैरह होता है उस पर कोई कुफ्रिया शिरकिया इबारत लिखी हुई है, कोई तौहीन वाली इबारत भी लिखी हुई है, तो भी उसको पढ़ने से या देखने से या उसको दोहराने से कुफ्र लाजिम नहीं आएगा, अगरचे तौहीन वाली भी हो। क्योंकि बहुत से सवालात भी ऐसे होते हैं जिसके अंदर कुफ्रिया इबारत लिखी हुई होती है, तो उनको पढ़ने के बाद ही उनका जवाब दिया जा सकता है, तो वो दिल में अकीदा नहीं होता, फ़कत पढ़ लेने से कुफ्र लाजिम नहीं आएगा।